तो भाई आ गए हैं आपके लिए वीडियो बनाने। ये है i20 लेटेस्ट मॉडल स्पोर्ट्स वेरिएंट 2021 और ये है ऑटोमेटिक वेरिएंट। अब बात करते हैं इसमें गियर कैसे इस्तेमाल करना है आपको। तो अभी आप देख रहे होंगे ये पी पे है, आप इसको हटा नहीं सकते बिना कोई बटन प्रेस करे। अगर आप इसके पीछे एक आता है बटन, ये आप इसे प्रेस तब तक नहीं कर पाएंगे, अभी ये हल्का प्रेस हो रहा है। जैसे ही आप ब्रेक पैडल प्रेस करेंगे, ये देखिए करा, ये प्रेस हो जाता है बटन और आप फिर इसको नीचे को रिलीज कर पाएंगे। ये अभी आर मोड में आ गया है, आर मतलब रिवर्स होता है, न्यूट्रल एन से स्टैंड करता है। और उसके बाद अगर आप बी मोड पे आना चाहते हैं तो आप नीचे कर सकते हैं। आप सिर्फ आपको पी से आर पे और एन से आर पे जाने के लिए सिर्फ आपको बटन प्रेस करना पड़ता है, जिसके लिए आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा अगर आप डी या एन पे साइमल्टेनियसली शिफ्ट करना चाहते हैं। और ये इसके डी के राइट में एक आता है एस मोड, ये एस होता है स्पोर्ट्स और इसमें साथ में प्लस और माइनस भी है, ये होता है मैनुअल। अगर आप इसको ऊपर कर देंगे वापस तो ये न्यूट्रल पे आ जाएगा। न्यूट्रल मतलब गाड़ी आपकी ना आगे होगी ना पीछे होगी। अगर आप इसको रिवर्स पे लेना चाहते हैं तो आप बटन ब्रेक दबाएं, बटन प्रेस करें और इसको रिवर्स में डाल दें और पी पे ले जाएं ऐसे ही बटन दबाते ही। अब ये होता है शिफ्ट, शिफ्ट लॉक रिलीज। मान लीजिए अगर आपकी ब्रेक काम नहीं कर रही किसी वजह से या फिर आप नहीं दबा पा रहे ब्रेक, तो आप इसको दबा सकते हैं और फिर आप अपना गियर का बटन दबाएं और पीछे कर दें। अभी इस समय मैंने ब्रेक नहीं दबाई थी और ये हो गया काम।